हेलो नमस्कार दोस्तों, बीएम अयोध्या चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आया हूँ। जी दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों, यदि आप एक श्रमिक हैं और आपने अपना श्रमिक कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्द से जल्द श्रमिक कार्ड बनवा लीजिए, नहीं तो आप सरकार की तरफ से मिलने वाले लाभ से वंचित हो जाएंगे। दोस्तों, श्रम विभाग में पंजीयन कैसे करें, अंशदान कैसे जमा करें? जिन सदस्यों ने श्रम विभाग में पंजीयन कराया है वो अपना अंशदान कैसे जमा करें? जिन सदस्यों का नाम श्रमिक कार्ड में नहीं जुड़ा है वो श्रमिक कार्ड में नाम को कैसे जोड़ सकते हैं? दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले सरकार ने ऐलान किया था कि जिन सदस्यों ने श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराया है और जिनका श्रमिक कार्ड में नाम है उनके नाम से आयुष्मान कार्ड बन रहा है, लेकिन उस स्थिति में कुल कहने का मतलब कुछ लोगों के साथ क्या हुआ कि दोस्तों, कुछ लोगों के सदस्यों का जो नाम है श्रमिक पंजीयन में नहीं होने पर उनका जो आयुष्मान कार्ड है नहीं बन पाया। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप श्रमिक पंजीयन में सदस्य का नाम कैसे जोड़ सकते हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको यह जानकारी नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि दोस्तों मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने फ़ोन या अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में आपको अपने ब्राउज़र को ऑन कर लेना है, और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सर्च टैब में लिखना होगा श्रम विभाग। दोस्तों, यहां पर आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस पर यहाँ पर श्रम विभाग पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा श्रमिक का। यहाँ पर आपको आने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, लिखा हुआ है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा पंजीयन की स्थिति, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ नया पेज ओपन हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यदि आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पर आप आधार नंबर को फिल करेंगे। यदि आपके पास यहाँ पर आवेदन संख्या है तो यहाँ पर आपको आवेदन संख्या को फिल करना होगा। यदि आपके पास पंजीयन संख्या है तो यहाँ पर आप पंजीयन संख्या को फिल करके उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप कैप्चे को फिल कर लेंगे। कैप्चे को फिल करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक करना होगा। सर्च पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज पर ये भेज देगा। दोस्तों, सर्च पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का आपको पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा है श्रमिक का पंजीयन संख्या, यहाँ पर आपको श्रमिक का जो भी पंजीयन नंबर है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद किस डेट को यहाँ पर पंजीयन कहने का मतलब किस डेट को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ था, आप ये चेक कर सकते हैं। श्रमिक का नाम चेक कर सकते हैं, श्रमिक के पिता का नाम चेक कर सकते हैं, श्रमिक का नाम यहाँ पर इंग्लिश में, संपूर्ण विवरण जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको ये प्रोसेस दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको यह पता चले कि जो मैंने सदस्य का नाम ऐड किया वो कैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप अभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर श्रमिक का जो पंजीयन संख्या है ये शो कर जाएगा, श्रमिक सदस्य का नाम शो कर जाएगा, यहाँ पर जो लिंग आयु जो भी आधार कार्ड नंबर है आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर परिवार विवरण का रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा है परिवार विवरण का जो रिकॉर्ड है यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो इसी को मैं आपको यहाँ पर दिखाने के लिए इस प्रोसेस को कर रहा हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको इसीलिए यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि आपको यहाँ पता चले कि मैंने इस वीडियो में क्या किया है, कहाँ से नाम को ऐड किया है। संपूर्ण जानकारी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पर सभी योजना के बारे में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी योजना का लाभ पाया है इस व्यक्ति ने। यहाँ पर आपदा राहत के तहत इन्होंने 3 किस्त जो है यहाँ पर इन कैंडिडेट को मिली है, जिसका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भुगतान हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आप संपूर्ण विवरण देख सकते हैं, कितने कितने डेट को अंशदान जो है कस्टमर का जमा हुआ है, या कैंडिडेट का यहाँ पर जमा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि सदस्य का जो ये परिवार यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, परिवार का जो विवरण रिकॉर्ड नहीं है, तो यहाँ पर आप इसे सदस्य का नाम कैसे जोड़ सकते हैं, संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने होम पेज पर आना है। होम पेज पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा विभागीय लॉगिन, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ नया पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएगा, एक है बजट लॉगिन, एक है लेखा अधिकारी लॉगिन, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा CSC लॉगिन। तो CSC लॉगिन पर आपको क्लिक करना होगा और अपने CSC को यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको CSC लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का पेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे श्रमिक पंजीयन, श्रमिक नवीनीकरण, श्रमिक पंजीयन की स्थिति, योजना का आवेदन और अभिष्ठान पंजीयन। इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर मुझे श्रमिक में जो न्यू पंजीयन होता है उसमें श्रमिक के सदस्यों का जो नाम है उसे ऐड करना है। तो उसे हम कैसे ऐड करेंगे, चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको आ जाना है योजना के आवेदन में। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने योजना का जो ये नाम है यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। यहाँ पर चुनने पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाना है कन्या विवाह सहायता योजना में, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ ये इंट्रक्शन आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कन्या विवाह सहायता योजना, आवेदन के लिए निम्नलिखित शर्तों एवं संलग्नों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको इस जो यहाँ पर ये इंट्रक्शन दिए गए हैं इसको यहाँ पर आपको रीड कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके यहाँ पर आप प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लिखा है श्रमिक की पंजीयन संख्या। तो यहाँ पर आपको श्रमिक की जो भी पंजीयन संख्या है उसको यहाँ पर फिल करके उसके बाद यह आपको यहाँ पर शो पर क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर शो पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट का जो यहाँ पर पंजीयन संख्या है ये आपको शो कर जाएगा, नाम, पिताजी का नाम, वर्तमान पता, योजना का आवेदन। यहाँ पर आप संपूर्ण जो विवरण है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप व्यू फैमिली पर क्लिक करके यहाँ पर आप फैमिली डिटेल को भी आप चेक कर सकते हैं। हमें यहाँ पर फैमिली को ऐड करना है, तो यहाँ पर हम आपको ये ऑप्शन जो आपको ये शो कर रहा है, मैं आपको ये जो ऑप्शन आपको शो कर रहा है, ये जो ऑप्शन शो कर रहा है आपको ऐड फैमिली का, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ऐड फैमिली पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का आपको पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, सदस्य का नाम जो भी आप जिस भी सदस्य का नाम यहाँ पर ऐड करना होगा आपको, यहाँ पर आपको सदस्य का नाम लिखना होगा इंग्लिश में, उसके बाद यहाँ पर सदस्य का नाम हिंदी में, उसके बाद यहाँ पर सदस्य का जो भी आधार कार्ड नंबर होगा उसे यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जेंडर को फिल कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आयु फिल कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर संबंध को दर्शाएंगे कि जिस कैंडिडेट
कहने का मतलब जो जिसके नाम ये पंजीयन दर्ज हुआ है उसके उससे जो आप ये सदस्य का नाम ऐड कर रहे हैं उससे उसका क्या संबंध है, पुत्र है, पिता है, वाइफ है, जो भी है यहाँ पर आप रिलेशन जो भी है आप यहाँ पर दर्शा करके उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है जोड़े पर क्लिक करना होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर सदस्य का नाम यहाँ पर फिल कर लेते हैं, यहाँ पर सदस्य का आधार नंबर फिल कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सदस्य का जो भी जेंडर है उसे फिल कर लेंगे। जेंडर फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी उसे फिल कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जेंडर फिल करने के बाद यहाँ पर आयु को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको संबंध यहाँ पर आपको दिखाना होगा कि जो आपने ये सदस्य का नाम ऐड किया है उससे जो जिसके नाम ये पंजीयन दर्ज है उससे उसका क्या संबंध है उसे यहाँ पर दर्शाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जोड़े पर क्लिक करना होगा। जोड़े पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर सदस्य का जो नाम है वो ऐड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने अभी एक सदस्य का नाम ऐड किया है यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आप जितने भी सदस्य का नाम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर ऐड फैमिली डिटेल पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद अपनी फैमिली डिटेल को यहाँ पर ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर फैमिली को डिटेल को ऐड करेंगे। इसी प्रकार से आप जितने भी यहाँ पर डिटेल को ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर डिटेल को आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस प्रकार से जितने भी फैमिली मेंबर को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप अपने फैमिली मेंबर को ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बैक आ जाना है, और उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने जितने भी सदस्यों का नाम ऐड किया है क्या वो तुरंत शो करने लगेगा या नहीं करने लगेगा इसकी जानकारी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपको यह मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर डिटेल्स को ऐड करने के तुरंत बाद ही यहाँ पर साइट पर अपडेट हो जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप श्रम विभाग की होम साइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको श्रमिक में जाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको पंजीयन स्थिति पर क्लिक करना होगा। पंजीयन स्थिति पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों सेम प्रक्रिया वही है, यहाँ पर आधार नंबर या आवेदन नंबर या पंजीयन नंबर जो भी आपके पास हो यहाँ पर फिल करके उसके बाद कैप्चे को फिल करके यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर सर्च करते ही आपकी जो पंजीयन की स्थिति है यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रॉल करते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। यहाँ पर दोस्तों नीचे आने के बाद आपको ये शो कर रहा है जो आप यहाँ पर पहले देखे हुए थे, मैं वीडियो के शुरू होते ही आपको यहाँ पर दिखाया था कि यहाँ पर जो आप देखे थे कि श्रमिक के परिवार के सदस्य का जो नाम था यहाँ पर आपको नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा था। यहाँ पर दोस्तों कोई भी नाम आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। तो दोस्तों मैंने जैसा कि वहाँ पर जितने भी लोग का वहाँ पर नाम जोड़ा ये आपको तुरंत यहाँ पर आपको शो करने लगा। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी सदस्य के जो भी नाम है किसी भी सदस्य का नाम यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। दोस्तों यह प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाया हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।